की बहुत सारी किस्में है, है ना आ, आ, ये एक दो तो आपने यहां देखी और भी मैं बताऊँगा उससे पहले ये बता चलूँ कि ये हर जगह मिक्स नहीं मिलता एक किस्म का मिलता है तो दूसरा नहीं होता वो ये नहीं कि थोड़ा सा एंथ्रेसाइट हो जाए थोड़ा सा लिगनाइट हो जाए अगर वो लिगनाइट होगा हो तो लिगनाइट ही होगा उसकी वजह क्या है ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है ना कि इसके अंदर जितना भी जब दबता चला गया उतना उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा चलते आ गए तो वो जब आपने उसको डिस्कवर किया तो वो एक लेवल पे था ना ख़ास उस लेवल की वजह से वो या लिगनाइट है या एंथ्रेसाइट है या बाइटमिनस है या सब बाइटेमिनस है जो भी किस्म का है तो लेकिन वो एक लेवल पे अगर आप उसको खो देंगे ना तो वही कोयला मिलेगा दूसरा और उसमें मिक्स कोयला नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा जो मेजर uh, जो कोयला जिसकी जिसमें कोई नाइन्टी के करीब कोयले कार्बन आता है या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा 98 परसेंट तक के वो एंथरसाइट होता है जैसे पत्थर का कोयला हम लोग कहते हैं ना बहुत ही सख्त किस्म का कोयला होता है उसकी एक तो उसके क्वांटिटी कम है बलूचिस्तान में मिलता है कुछ कुछ इधर सिंध और बलूचिस्तान के दरमिया इलाके में भी कुछ मिल जाता है पंजाब और आ, आ, ये सिंध के दरमिया इलाक़े में भी थोड़ी सी ऐसी जगह है जो थोड़ा थोड़ा कोयला मिल जाता था आ, पहले एक वक्त ये था कि ये जो बॉर्डर पर जो है भावलपुर के पास जो है ना एक पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ जो है पार्टीशन से पहले भी यहाँ पे मेटलर्जी बहुत हुआ करती थी वहां पे वो लोग अपना लोकल कोयला खोद के लोकल जिसका कोई तस्करा नहीं है किसी हिस्ट्री के अंदर के यहाँ भी कोयला मिलाए और उसकी पता नहीं क्या उसकी कोई डिस्कवरी और उन्होंने की कि नहीं की लेकिन वो उस कोयले को निकाल के फिर उससे वो बना धात वगैरह बनाते थे थोड़ा सा ख़ास किस्म का स्टील बनाते थे वहाँ के ऊपर तो ये ये जो जो सबसे ज़्यादा 98 परसेंट कार्बन वाला कोयला जिसे एंथरसाइड कहते हैं ना ये इसका काम बहुत कम है वो जो आपने पेंसिल पेंसिलें देखी है ना पेंसिल के बीच में जो लेड दली होती है जैसे लेड अब पुराने जमाने में लेड इस्तेमाल करते थे वो लेड चूंकि कैंसर कॉजिंग है तो अब नहीं करते लेड इस्तेमाल उसकी जाएगी एंथरसाइट उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं या मेटलर्जी में जैसे ब्लाफ बनेस के नीचे ब्रिक्स जो लगती है जहाँ पर सारा मोल्टन मेटल आके जमा होता है तो उसमें फिर इसको मिला के लगाते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसके लिए एंथरसाइट इस्तेमाल होता है उसके बाद जो कैम जो आता है वो तकरीबन 86 परसेंट कार्बन वाला वो बाइटमिनस होता है ये और सब बाइटमिनस जिसकी मैं अभी अब बताऊँगा ये दोनों मिला के ज़्यादातर जो है कोयला जो है दुनिया में इस कस्म का इस्तेमाल पाया जाता है बाइटमिनस या सब बाइटमिनस तो ये अब अब देखें जियोलॉजी जियोलॉजी पर बहुत डिपेंड करता है कुछ जो इलाके हैं जो पुरानी ज़मीन है वहाँ आपको ज़्यादा कार्बन वाला मिलेगा जो नई ज़मीन है इसका मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है अभी तो वहाँ पे कम कार्बन वाला आ, मिलेगा जहाँ पे ऐसे एक्टिविटी हो जैसे ये एपलेचियन माउंटेन पहाड़ी इलाका अगर हो वहाँ पे होगा तो इसका मतलब पहाड़ कैसे बना पहाड़ ऐसे बना कि नीचे से जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसने अर्थ को ऊपर किया ना तो प्रेशराइज होता है तो उसकी वजह से कार्बन कंटेंट उसमें बढ़ जाता है अगर फ्लैट बिल्कुल एरिया हो तो वहाँ पर जियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब नहीं हुए तो वो कंप्रेशन उतने ज़्यादा नहीं आता तो वो फिर सब बाइटेमिनस या लिगनाइट अब थर जो है थर में तो आप आसपास देखेंगे कोई 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 को है ही नहीं पहाड़ वो तो बिल्कुल फ्लैट डेजर्ट के साथ ही एरिया है ना तो इसका मतलब वो तो एक ऐसा पानी का एक जखीरा था उसमें ये सब जमा हो ये प्रोसेस हुआ और कोल बन गया वहाँ पर वो उसकी कंडेंस डेंसीफिकेशन नहीं हो सकी और आप इसकी शक्ल देख लें कि ऊपर वाले जो पथरी कोला है कितनी चमक है उसके अंदर फिर बाइटामिनस है उसमें थोड़ी सी चमक कम हो गई अगर उसके बाद आप देखेंगे सब आइटमिनस इसके अंदर पैता पैंतालीस से पैंतीस पे, से पैंतालीस फीसद कार्बन इसके अंदर है तो वो उसके बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी है है ना वो तो लग ही नहीं रहा कि कोयला है और उसके बाद जो आखिरी जो है वो लिग्नाइट जो अभी भी कोल तो यकीन कहते हैं उसे यकीन कोयला है लेकिन वह कोयला नाम का ही कोयला है अब वो वो लिग्नाइट है इसके अंदर पच्चीस से पैंतीस कार्बन है बाकी क्या है मुख्तल बायोलॉजिकल स्पीशीज़ लकड़ी भी है अभी उसके अंदर क्योंकि पूरा बनी नहीं कोयला और उसके अलावा और भी केमिकल्स वगैरह होते हैं तो जब इसको आप जलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है और दूसरी चीज़ें जो है वह मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से निकलती हैं तो उसमें फिर वो इन्वामेंटल प्रॉब्लम उसके ज़्यादा हो जाते हैं अब जितना जितना कार्बन बढ़ता जाएगा ना इतनी उसकी इस हीट की हीट एनर्जी की मकदार उसमें कम होती जाएगी तो लिग्नाइट में सबसे कम है इस हिसार में तो अल्लाह ने हमको नवाजा जरूर है लेकिन पता नहीं किस वजह से पूरी तरीके से नहीं नवाजा कि वो बैठे मैंने स्कोल दे देता उसके बजाय उन्होंने कहा ये ले लो बस इससे काम चलाओ तो वो लिगनाइट से हमारा काम चल रहा है अभी तक के तो ये जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट पे जाएंगे ऊपर वाले एरो को फॉलो करेंगे कार्बन कंटेंट बढ़ जाएंगे और राइट से लेफ्ट तक के जितने भी बाकी जो मॉइस्चर वगैरह है वो उसके ऊपर इन चीज़ों में बढ़ता जाएगा अब ये हार्ड कोल मैंने बताया ना ये तमाम चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन उनका हर एक का अपना अपना एक एक इस्तेमाल है कुछ मेटलर्जी में इस्तेमाल होता है कुछ पावर के लिए इस्तेमाल होता है और लिग्नाइट जो है वो उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है बजाय इसके कि उसको सिर्फ जला लिया जाए छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अब अगर ज़्यादा छोड़ना तो चाहिए अगले वक्तों के लिए लेकिन वो जियोलॉजिकली छोड़ नहीं सकते उसको और लिगनाइट से आगे जाने के लिए उसको फिर कुछ मिलियन ईयर्स रहेंगे उसमें पता नहीं उस वक्त तक के क्या होगा तो बहरहाल जो है वो है उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा या उसी को छोड़ देना पड़ेगा किसी और वजह वजह की वजह की वजह से चाइना में अब अवेयर कोल तो है और इस्तेमाल भी है लेकिन उसकी अवेयरनेस भी बहुत आती जा रही है आ, अब आप देखें कि अब मैं आपको कुछ एक दो तस्वीरें बताऊँगा कि उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी सख्त की है कि एक तो ये कि जितने भी कोल बर्निंग पावर प्लांट है ना उनका टेम्परेचर उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है उसकी वजह से कोल जो है पूरे का पूरा खर्च होता है ये नहीं कि वो सत्तर फीसद खर्च हुआ या पचास फीसद खर्च हुआ और बाकी जो है वेस्ट हो गया तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो एक तो ये एक बहुत बड़ी बात है दूसरी ये कि जितने भी शहर के करीब जितने भी इलाके हैं ना उसमें सिर्फ कोल बर्निंग पावर प्लांट नहीं लगाया उन्होंने सारे सब कुछ चेंज कर दिया था अभी मैं आपको तस, दिखाऊंगा तस्वीर कि पहले बेजिंग में जो कोल बर्निंग पावर प्लांट थे आसपास उससे कितना उसके इन्वायरमेंट पर हुआ था अफेक्ट नाइनटीन uh, हंड्रेड्स के अंदर मिड नाइनटीन हंड्रेड्स के अंदर लंदन में इतना बड़ा कोल बर्निंग पावर प्लांट था कि जब उनका पोल्यूशन हुआ एक खास एटमॉस्फेरिक प्रोसेस की वजह से जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं जो हम आगे जाके समझेंगे एक चैप्टर में तो उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हुआ था कि हज़ारों लोग मर गए थे ये चर्चल के ज़माने की बात है अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है uh, इंडिया में देखें आप जब ये टाइम आता है यहाँ पे भी होता है यहाँ पे गन्ने वन्ने की जो बची बच जाती हैं फसलें उनको जलाने की वजह से होता है लेकिन इन जगह में ये पावर प्लांट की वजह से बहुत बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है जो अब चाइनीज उसको बहुत सख्ती से इसका आ, स, कुछ सद्देबाप करने के चक्कर में अब ये उल्टे हाथ पे देखें ये विंटर की तस्वीर है उसी जगह की जहाँ पे राइट हैंड पे तस्वीर है। ये दो में जब कुछ दिनों कुछ सालों पहले वहाँ गया था चाइना में वहाँ की ये तस्वीरें हैं तो राइट हैंड का देख लें वही जगह है ऊपर वाली तस्वीर और जो लेफ़्ट वाली है वही फॉरबिडन सिटी जो है बीजिंग के अंदर अब उ, उसका देख लें माहौल अब क्या है और उसका देख लें माहौल के जब क्या था जब यहाँ कोल बर्निंग पावर प्लांट इसके साथ ही लगाया जाता था और नीचे बिल्कुल बिल्कुल इससे अच्छी क्या आपको फ़िज़ा नज़र आएगी तो उनके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ों की कुछ बेहतरी कर दी है